IPL 2019 से पहले सभी टीमों ने अपने खिलाड़ियों को रिटेन करने और बाहर करने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है और इस बार कई बड़े खिलाड़ी टीम से बाहर हुए हैं। हालांकि कुछ हैरान करने वाले नाम भी रिटेन हुए हैं। गौतम गंभीर, युवराज सिंह, मोहम्मद शमी जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को उनकी टीमों ने बाहर कर दिया है तो सबसे महंगे बिके जयदेव उनादकट को भी बाहर कराता दिखा गया है। आपको बता दें किस टीम ने किन खिलाड़ियों को रिटेन किया, कहां हुई किस खिलाड़ी की एंट्री और किन खिलाड़ियों को बाहर कराता दिखाया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। हेटमैन रोहित शर्मा की कप्तानी वाली इस टीम में प्रमुख खिलाड़ियों में तो खासा बदलाव नहीं हुआ है। रोहित के अलावा पांड्या ब्रदर्स, जसप्रीत बुमराह, कैरन पोलार्ड एक बार फिर इस फ्रेंचाइजी की जर्सी पहनेंगे। तो मुंबई इंडियंस में इस बार क्विंटन डिकॉक की एंट्री हुई है, जबकि मुस्तफिजुर रहमान, पैट कमिंस, अखिला धनंजय, जेपी डुमिनी, सौरभ तिवारी, तेजिंदर सिंह, मोहसिन खान, प्रदीप सांगवान, एमडी रितेश और शरद दुम्बा को बाहर किया गया है। इनके अलावा जिन खिलाड़ियों को रिटेन किया गया उनमें रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ईशान किशन, कुणाल पांड्या, सूर्य कुमार यादव, मयंक मार्कंडे, राहुल चहर, अनुकूल रॉय, सिद्धार्थ लाड, आदित्य तारे, केविन लुईस, कैरन पोलार्ड, बेन कर्टिंग, मिशेल मैकलिनन, एडम मिलने और जेसन वेड्रा।